सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज, और आप सबका स्वागत है। देखो, तो गवर्नमेंट जॉब का अपडेट डेली में मॉर्निंग में आप लोगों को दे दिया करूँगा, ठीक है, ताकि जो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जो सर्च करने में या कुछ नया आता है तो आप लोगों को काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट में बात करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट जॉब होगा मैं आपको मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। तो आज जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो लेटेस्ट वैकेंसी है, मैं उस पर बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक आपको देखना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार पुलिस, ठीक है। मैं नेशनल और अपना स्टेट का दोनों को लेके हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार पुलिस सिपाही का वैकेंसी निकला है, ठीक है, और कितना पोस्ट है, तो याद रखिएगा ये जो पोस्ट है आपका 551 पोस्ट है इसमें, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखो मैं ये सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। नीचे लिंक दिया होगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हो, जो भी आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना है। 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको आपके सामने दिख रहा होगा जो भी आपका, देखो तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटर लेवल, ठीक है। फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर देख लो, ठीक है, आप सबको पता होगा अभी रिसेंटली एक एग्जाम भी आपने निकाला है, मतलब मैक्सिमम लोग ने निकाला है, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सिपाही वाला, ठीक है। तो ये मेल का है, ठीक है, हाइट का यहाँ में दिया हुआ है, वही फीमेल का है, तो आप इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वहीं आपका चेस्ट का दिया हुआ है, मेल का, फीमेल का इसमें कुछ मतलब चेस्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज होते नहीं है, ठीक है, उनको सिर्फ हाइट से मतलब है। यहाँ रनिंग दिया हुआ है, और देख लो 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 माइल इन 6 मिनट में आपको दौड़ना है। हाई जंप 4 फीट और शूट फुट इतना। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज, अगर ज़्यादा फेंकोगे कम फेंकोगे तो उसके ऊपर मार्क्स डिपेंड होता है, पर मेनली इतना लिस्ट आपको करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। तो कितना पोस्ट है, 551 पोस्ट है, 10+2 आपका इंटर लेवल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब जो ये पोस्ट है उसमें होम गार्ड का जो पोस्ट है 301 पोस्ट है, ठीक है, वहीं फ्रेशर में 250 पोस्ट है। तो ऑलमोस्ट ये टोटल जो है बेसिकली सिपाही का पोस्ट है, ठीक है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं, ओबीसी हो, ईबीसी, मतलब कोई भी कैटेगरी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई अलग स्टेट से भी हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको क्या जो रिजर्वेशन का है वो फायदा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, सबको देना है, चाहे आप बिहार हो चाहे कहीं बाहर के हो, ठीक है। जो रिजर्वेशन है सिर्फ SC ST के लिए, मैं पैसा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मतलब जो एप्लीकेशन फ़ी होगा 112 रुपया देना है SC ST को, और जितने SC ST को छोड़ के 450 रुपया देना है। किसी तरीके से भी आप ये कर सकते हो। देखो, आप इसके बाद आता है कि आप इसको कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 जुलाई से, ठीक है, और लास्ट डेट, ठीक है, अप्लाई और लास्ट पेमेंट डेट जो है आपका याद रखना अगला महीना 3 तारीख, मतलब आप जल्दी कर लो जितना से जल्दी हो सके, ठीक है, मतलब 1 महीना का टाइम दिया है, ठीक है। एज लिमिट अगेन मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो जनरल के लिए वो 25 साल, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी के लिए 27 ईयर, और ओबीसी ईबीसी फीमेल के लिए है 28 साल, ST ST के लिए 30 साल। याद रखिएगा ये जितना भी है सिर्फ बिहार वालों लोग के लिए, ठीक है, जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, बाकी सब जो है जनरल में गिनती होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा वैकेंसी है, जितना जल्दी हो आप फिल कर दो, पढ़ाई का टेंशन मत लो, पढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से A to Z चीट करवाता हूँ, तो उसमें आप टेंशन लो ही मत, ठीक है। उसके बाद दूसरा वैकेंसी है आपका बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का। अब याद रखना ये सिर्फ लेडी के लिए है, ऊपर से ST के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो देखो, फॉर ओमेन कैंडिडेट ऑफ ST, ठीक है, ST के लिए 112 रुपया आपको इसमें देना है लेडी कांस्टेबल के लिए, ठीक है, किसी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सिर्फ जो ये कांस्टेबल वाला है लेडी के लिए, मतलब औरत के लिए, वो भी ST के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 24/6, ठीक है, और मतलब 24/7 तक है, मतलब भी काफ़ी पहले आ चुका है, और ये जो आप देख रहे हो अभी जुलाई चल रहा है, तो 24/7/2020 तक आप फिल कर सकते हो, आप ST और लेडी कैटेगरी से बिलोंग कर दो, ठीक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम आप 30 एज है, ठीक है। अगेन क्वालिफिकेशन आपका वही, जो बाकी जो होता है आपका वही है, ठीक है, जो आपका मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया होता है, जो आपका होता है, जो मैंने आपको सिपाही के लिए बताया वही। अब कितना पोस्ट है, तो पोस्ट तो मैंने बता दिया 454, ठीक है, लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चला जाओ और वहां से आप फिल कर पाओ, ठीक है। तो ये दो था, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, ठीक है, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले, ठीक है। देखो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एग्जैक्टली मैं सबका, ठीक है, जितना भी ऑफिशियल PDF है, ठीक है, मैं सबका कर दूंगा। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे वैकेंसी है, मतलब स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार वेरियस, मतलब जो स्टेट
हेल्थ सोसाइटी से ये दिया गया है। टोटल इसमें वैकेंसी 472 है, पर याद रखना इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया काफ़ी अलग अलग है, कुछ MBA है, PG है, BCOM है, ये है, कुछ बैचलर डिग्री भी, अगर सिर्फ आप बैचलर किए हुए जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस, तो इसलिए बोलता हूँ मैं इसका PDF दे दूंगा, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपको पता होगा कि हाँ मैं इसके लिए, क्योंकि आप अपना डिग्री अच्छी तरीके से जानते हो कि आप किस में फॉलो अप करते हो। ठीक है, तो अगेन क्वालिफिकेशन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, 472 पोस्ट है स्टेट हेल्थ सोसाइटी में। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फी कितना है, तो 500 रुपया है। ठीक है, और वही अगर आप बिहार डोमेसाइल हो, फीमेल हो और डिवाइन बॉडी कैंडिडेट हो, तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। अगर बिहार के डोमेसाइल हो तो डेफिनेटली आपको 250 देना देना पड़ेगा अगर आप फीमेल हो। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट है जो भी है उसमें दिया होगा आपका, और कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 6, ठीक है, 6-7 से हो रहा है और आपका 26-7 तक ये चलेगा। एज लिमिट देख लो, यहाँ दिया हुआ है 18 मिनिमम, अनरिजर्व और EWS के 37, ठीक है, फीमेल के लिए BC और MBC के लिए, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी उसके लिए यहाँ 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब उसके लिए वो चीज़ वेरी करेगा, जो पूरा का पूरा PDF में दिया हुआ है वो मैंने पढ़ा है, तो अब मैं PDF इसका डायरेक्टली दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लेना। तो ये 3 जो थे आपके जो बिहार रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चलते हैं वो है आपका IBPS, जो बैंक रिलेटेड, मोस्टली इसको गर्ल्स लोग भरते हैं। ठीक है, तो जरूर फिल कीजिएगा अगर आप बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मेनली जो हमारा इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले, पर इसमें जो हमें मेनली फोकस करना है ये इस पे, ये और ये, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बैचलर डिग्री, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप ये फिल कर सकते हो, बाकी कुछ जो है, ठीक है, ये मतलब लॉ चाहिए, MBA चाहिए। ठीक है, और जो आपका स्केल 2 और 3 जो है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्केल 2-3 वाला, 2-3, इसमें एक्सपीरियंस है, तो मतलब जो आपका कुछ ही पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि जो भी है, जैसे कि 462 ये हो गया, ठीक है, ऑफिसर स्केल 3800, तो आप इसमें सब में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये भी जरूर देख लीजिए आपकी किस में आप एलिजिबल हो। अगेन इसका मैं आपका जो लिंक है, लिंक इन दिस सेंस मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4624 जो है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट, इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी मतलब जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो 4624 वाला में। ठीक है, बैचलर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसका डेट एक बार देख लेते हैं। देखो, तो ये जो डेट है 17 से स्टार्ट हो जाएगा इसका सब। देखो, बैंक का क्या होता है, A to Z फिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, कब होगा, कब आपका प्रीलिम होगा, कब इंटरव्यू होगा, A to Z इसका फिक्स है। ठीक है, तो 17 को इसका स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, और लास्ट डेट, ठीक है, और प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, ये 5/8 है। A to Z चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, पर मेनली आपको अभी जो ध्यान में रखना है वो आपको याद रखना है कि स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 21/7 है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो आप फिल कर लेना इसको। ठीक है, एज कैटेगरी आई थिंक आप लोग मैक्सिमम लोग इसमें फॉलो करते हो, तो एज में आपको किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, आप इसमें एज का कैटेगरी भी देख सकते हो। इसका भी मैं आपका सबका, जितने भी मैंने यहाँ बताया, आपका जो PDF होगा मैं उसको आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से देख सकते हो कि क्या आप में इसको एलिजिबल है कि नहीं हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC जो आपका, इसको मैंने स्पेशली इस पर बनाया भी था, दरोगा के लिए जो निकला हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, आप इसको जरूर फिल करें, एकदम सिर्फ 100 रुपीस आपको देना है, हर कोई इसको फिल करो, सब चीज़ आप पढ़ ही रहो, बस आपको एक इंग्लिश पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये इसके लिए सब एलिजिबल होंगे, बस आपको ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, कितने पोस्ट हैं, पोस्ट तो 1500 मतलब इनफ है। ठीक है, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। 1564 पोस्ट है, कब से स्टार्ट हो, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है स्टार्टिंग डेट, और लास्ट जो है आपका 16 है, मतलब जितना जल्दी वो भर लो अगर अभी तक नहीं भरे हो तो। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है, बाकी कुछ कुछ दिया हुआ है, टेंटेटिव डेट होता है, मतलब हो भी सकता है, मतलब एग्जैक्टली श्योर नहीं कि हो ही जाएगा इस बार। ठीक है, मिनिमम इसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैक्सिमम एज जो होगा आपका, अगर आप जनरल में तो 25 साल है, बाकी आप अगर SC ST तो 5 साल उसमें ऐड कर लो। ठीक है, और अगर OBC हो नॉन क्रीमी तो 3 साल उसमें ऐड कर लो, ये फिल आप जरूर फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अगेन इसका भी मैं जो भी चीज़ है नीचे मैं डाल दूंगा, मतलब PDF, सबसे बेस्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, मैं वहाँ PDF दे दूंगा ये सब चीज़ का। ठीक है, और नीचे लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको फिल कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये चीज़ याद रखना, इसमें जो जो फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें क्या है कि हाइट में भी अलग अलग डिफाइन किया गया, ठीक है, कि अगर आप पहाड़ी इलाका में आते हो तो वहाँ आपको थोड़ा हाइट कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आप एक बार ज़रूर देख लेना, मैं नोटिफिकेशन जो है मैं मेन पीडीएफ जो ऑफिशियल में वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये सब दिया है, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 16 सेकंड में दिया है, कुछ कुछ दिया है, लॉन्ग जंप इतना है, शॉर्ट फुट इतना है, तो ये आप पोस्ट करके आप देख सकते हो। ऐसे फीमेल के लिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में 891 पोस्ट है, फिर से फीमेल के लिए 78 है, और उसके बाद कैप जो होता है सेंट्रल आर्म फोर्स में 1395 है, ठीक है। जॉब लेना है अभी, ठीक है, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, यहाँ आपको जॉब लेना है, ठीक है। तो ये 5 था, ठीक है। अब जो आपको लगता है उसके हिसाब से नीचे लिंक भी मैंने दे दिया है, आप उसको जरूर विजिट कीजिए और जो आपको सही लगता है उसको आप जितना जल्दी हो सके फिल कर लीजिए, ठीक है। सो स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड।